मैं मरना नहीं चाहती लेकिन मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों के सहारे जिंदगी जीना चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले मुझे जीने देना नहीं चाहते। ये सारा चीज लिख करके एक लड़की जो है अपने घर वाले के व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करती है और ये लेटर जैसे पहुंचता उसके बाद फोन करती है और फोन करके ये कहती है कि मेरे घर वाले आज मुझे मार देंगे, आप बचाना चाहते हैं तो मेरे ससुराल में आ जाइए। जैसे घर वालों को बेचैनी हो जाती है तमाम चीजें सुनते हुए, जैसे ये खबर मिलती उसके बाद यहाँ से लोग वहां जाते जाते तब तक एक पति दूसरे लड़की के प्यार में इस कदर पागल था कि अपने पत्नी और दो मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि क्या किसी गैर लड़की के प्यार में कोई पति इस कदर भी पागल होता है क्या जो दूसरों को पाने के लिए अपने पत्नी और सगे दो मासूम बेटे की जिंदगी को देखते ही देखते समाप्त कर दे। उसे तनिक भी इस बात की चिंता ना हो कि मैंने अपने बसे बसाए घर को बर्बाद कर रहा हूं, मैं इस घर को बर्बाद कैसे करूं। बाकी पूरा पीड़ित परिवार हमारे साथ है, व्हाट्सएप पे मैं लेटर भी आया, वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इन लोगों से बातचीत भी करूंगा कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे हुआ, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इनके बेटी और नाती को, दो नाती को, जो मासूम बच्चा जिसका उम्र करीब एक 4 साल का और एक 1.5 साल का था, तीनों को कैसे एक साथ मौत के घाट इनके दामाद ने उतार दिया था। अब बातचीत की हम शुरुआत करेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कौन थी लड़की आपकी। 4 साल के लड़के बाटे जी, तो एगो साल भर के लड़के बा, रारू बेटी रली है वो, हमार बेटी रली। कैसे का हो गेल चाची? अब हमार बेटी रली है तो ई जैसे 5 साल ब्याह का भेर लखवे तो कोनो बात ना रहे, कहे के मतलब जे बूढ़ा बूढ़ी बउआ कहते कहते बेटी के हमरा चलैली, कुछ ना गाड़ी देली ना फैया देली, हमार बेटी ओहिमे भरम गेली। अब ओकरा कहे के मतलब जे ई लड़की से ही अपना माने बोले बतियाए लगल दूसरा लड़की से, माने राउर दबा दूसरा लड़की से बात करे लगा, दूसरा लड़की से बात करे लगा, तो माने धमकी दे मामा तारी के जो पैसा ना देबत हैं करम हम करम मर जाएं, बाप ओकर खेत में के पैसा देलक लड़की लेके भाग गई। यहाँ फोन आयल तो यहाँ से सब माने यहाँ से हम भी चढ़ल तो लड़की के माने छोड़वा बढ़वा दिया, तभी तो हमारा लड़की के ही ना देख सा है, तभी तो कहे कई लड़की के हमारा जो दो गो लड़के बा ओके मुंगा देंगे तब तो आपके बोलू मारे मुंगा देंगे, माने राउ दामाद कहे बेटी के, हां दामाद के दोनों बेटा के भी मुंगा देम आ तोहरो के मुंगा देम, मुंगा दे बोलू तुम और रखने का नहीं दे रही, बोलू ओकरा के बोलू रखेंगे तो तोरो खर्च देंगे उसको खर्च देंगे, तो यही यही के लिए ओकर मतारी ओलखन गासी दिया है जे बोलू आप मुंह निमन है तो मरद से बोल लो, बोलत काहे नहीं खू, बड़ी बड़ी बात माने मतारी कहलक, यही माने बेटी हमरा से सारा बात फोन पर कहे जे माई हैसे से कह ले लो, काल का बोल कहीं जाए दो काल का भेल तो हमरा से बात भेल बटे जे बोलू यदि घर के लोग बोलू हमरा के मुहावे ला कहत है, फोन कर ली तो कहत, हां फोन कर ली हमर बेटी 7 बजे चूली में आंच के दूध औंट के लेके के पियौली बोतल में भर के, आ अब का कहली जे उहे माने बात लोग बन बतियात रहे तो सुन ल, फोन कइलक जे बोलू हमरा के मुहावे के चाहत लोग हम मारे के नहीं की चाहत से जल्दी बोलू बबलू के बैठा दे, तो ये बबलू हम फोन गली बबलू हमर गेली अपने फुआ के घर फोन कइलक वहां से लड़का आयल तब ले लड़की के हमरा मार के सका ले मार देले रहे असत केकरा केकरा मार देले बा दोनों नाती बा एगो लड़की बा माने दू गो बच्चा आ और बेटी दोनों के खत्म कर देले हां हमने गेनी त ले एक के सिर पराव को सतावा रहे। हां बाकी लड़की के पापा भी हमारे साथ है, इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे आखिरकार ये कैसे क्या हुआ। जब चाचा आप गए थे वहां? हां गए तो क्या देखे? गए थे तब तीनों आदमी बिछौना पर सुता था, मरा हुआ है, गए तब तक तीनों मर गया था, तीनों मर गया था। अच्छा कैसे मारा है लोग? मारा है नटी दाब गुलो मुंह आया है तीनों को, तीनों को उसको फसरी का निशान गले में है। अच्छा इससे पहले बेटी कहती थी क्या दिक्कत है क्या परेशानी? और शादी के बाद में कहती थी, शादी के बाद में ना वो जैसे जो है ना वो मतलब हम लोग पैसा जो देना था वो दे दिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपना शादी ब्याह कर दिए, शादी ब्याह संपन्न भी हो गया, गाड़ी भी मांगा, गाड़ी भी हम लोग दे दिए। उसके बाद से जब वो हम लोग से धीरे धीरे बोला कि इनको एगो लड़की ये है तो हम जो मांगेंगे इन लोग को देना पड़ेगा मजबूरी में, वो 4 चक्का के डिमांड किया शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के मतलब 3 साल बाद में गाड़ी वाड़ी बेच लिया, उसके बाद में 4 चक्का का डिमांड किया। 4 चक्का का डिमांड करने के बाद में हम लोग बोले कि अभी हम लोग असमर्थ है कि हम लोग अभी नहीं दे पाएंगे,
तो बोला कि नहीं दे पाएंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद में हम लोग बोले कि ठीक है अंजाम बुरा होगा, जो आपको करना होगा करिएगा, हमारे पास आवश्यकता नहीं है, दो तीन को बच्चा भी है तो उसके लिए भी सोचना है। तो हम लोग कहे कि ठीक है देखा जाएगा, अगर उस तरह का आवश्यकता होगा, समय जिस हिसाब से आएगा, हालात जिस हिसाब से रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उसके बाद में बोला कि अंजाम इसका बहुत बुरा होगा, आप लोग नहीं दीजिएगा गाड़ी हमको, तो दमाद बोल रहा हाँ कि इसका अंजाम बुरा होगा, आप लोग आगे देखिएगा, हमको तो जो शादी करना होगा चाहे जो भी करना होगा हम अपना करेंगे, लेकिन इसका अंजाम आप लोग को भुगतना पड़ेगा। यही बात बोला जी। कल क्या हुआ? कल हम लोग वहाँ जब गए, इन्फॉर्मेशन जैसे गुप्त मैंने सूचना के आधार पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, तो हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग सोचे कि मतलब मजाक वजाक कोई किया होगा, तो सीरियसली हम लोग नहीं लिए। फिर तड़ातड़ उधर से फोन आने लगा कि ना ये बात सत्य है, सत्य है, उधर और रिलेशन भी है तो सत्य है। तो हम लोग यहाँ से बाइक स्टार्ट किए, अपने गए, तब तक वहाँ पर देखे कि प्रशासन भी थी और प्रशासन सौ को कब्जे में ले रखी थी और तीनों दो मासूम बच्चे को और एक लड़की को भी जान से मार करके और वो अपने बिस्तर पर सुला दिया था। इसने मारा था? अरविंद कुमार मैंने उस लड़की के पति ही जी, आपके दामाद ही जी, मतलब आपके दामाद ही आपके बेटी और दोनों नाती को मार जी दिया। कैसे मारा वो? अब ये हम तो वहाँ पर देख नहीं पाए कि कैसे मारा, हम लोग गए तो देखे कि उसके मतलब गला में निशान था, देखे उसका दोस्त भी है, गला में निशान था, मतलब कि गला में रस्सी लगा के, अब रस्सी था कि कपड़ा था ये तो हम नहीं बता पाएंगे, गला दबा के हाँ निशान उसमें था। उसमें जो है लड़की को जब मारने लड़की जब फोन से यहाँ बात कर रही थी, जब वो मारने लगा तो उसका बच्चा जो है वो चिल्लाने लगा, मम्मी हो मम्मी, मम्मी हो मम्मी, मम्मी मर गई, मम्मी मर गई। तब जो है उसे इसको मार करके तब दोनों बच्चा को भी मार दिया, पत्नी को भी मार दिया और बच्चा को, बच्चा को इसलिए मारा होगा कि ये रहेगा तो मतलब ये लोग आएगा यहाँ पर लेके जाएगा तो सब सारा सत्य बताएगा, इसलिए उसको भी मार, इसलिए उसको भी मार दिया। सब क्या कारण था कि अपने पति ही और दोनों बेटा को मार दिया, क्या वजह, पीछे का वजह क्या था? पीछे का वजह कुछ नहीं था, पीछे का वजह जब से शादीशुदा हुआ तो ठीक सब चल रहा था, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं था। जब से वो एक मतलब दूसरे लड़की के साथ उसका अफेयर हुआ तब से इधर हम लोग से ज्यादा कुछ चीज का डिमांड करने लगा। अच्छा, माने वो दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ गया था, पड़ गया शादी के बाद? हाँ, शादी के मतलब चार साल बाद में। तब जब से वो अफेयर में पड़ा तब से हम लोग के पास कुछ डिमांड करने लगा कि हम छोड़ देंगे, नहीं तो इसको मार देंगे, नहीं तो हमको ये चीज दीजिए, वो सामान दीजिए, वो एक से एक मतलब हम लोग के ऊपर दबाव डालने लगा। वो लड़की से शादी भी किया था? हाँ, शादी भी किया था, शादी भी कर लिया, शादी भी कर लिया था। मैंने उसी लड़की, कहा जाए उसी लड़की के चक्कर में अपने पत्नी और दोनों बेटा को मार जी। अच्छा, उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं? केस तो आप लोग किए हैं, आवेदन दिया है ना थाना में? उसका भाई है, उसका बाप है, उसका माँ है, उसका भी दोस्त है। बाकी ये पूरी कहानी आप सुने कि किस तरीके से कैसे क्या हुआ था। अच्छा, जब यहाँ पे लड़की आती थी शादी के बाद यहाँ आती थी तो अपना दुख दर्द तो आपसे बताती होंगी ना? कौन दुख ना, लड़की जब से बतियाए लगा तब से कांड के, माने कि राहुल दामाद लड़की के चक्कर में बेटी या नाती दोनों को मार दिया? दोनों को, तीनों को, माने लड़की के चक्कर में, दूसरा कौन को? लड़की के चक्कर में। बाकी आप सुनिए किस तरीके का ये मामला है, आजकल कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे क्या क्या कर दे रहे हैं। शादी शुदा होने के बाद अपना घर परिवार भी बहुत अच्छा से चल रहा था, दो मासूम बेटे थे, एक का उम्र चार साल और दूसरे का उम्र डेढ़ साल था, छह साल था, मतलब दो बेटा भी था, पत्नी भी थी, घर परिवार अच्छा से चल भी रहा था। लेकिन एक लड़की जिंदगी में आई, उसके बाद जिंदगी में इस तरीके का भूचाल आया कि अब हंसता खेलता पूरा परिवार जो है देखते ही देखते सबों के सामने बर्बाद और तबाह हो गया। और ये तमाम लोग जो है परेशान है, चूंकि इनकी एक ही बेटी थी, एक एक बेटी रहे राहुल, बहुत दुलार से पुल्ले पोसले, बहुत दुलार से वो बेटी का इतना दुलार रहे। अब हमार आत्मा जाना था बेटी ला, ये हमार बेटी कैसे चल गए, हमरा बेटी के तो दुनिया से उड़वा दिलक, अब तो हमारे में कुछ पाना, अब हमारे में कथी बाटे, क्या चाहते हैं हम लोग? क्या चाहते हैं हम लोग? चाहते हैं कि मतलब प्रशासन हो चाहे जो भी हो, हम लोग को न्याय चाहिए, हमको जो है निर्दोष को फंसाना नहीं है, दोषी को बकसना नहीं है, हम लोग को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोग को, ताकि जिसने भी इस तरीके का घटना किया, जो जो शामिल है सब लोग जो है उसको सजा जी। बाकी ये पूरी पीड़ित परिवार की कहानी थी जिसे मैं आपको सुना रहा था, पूरा वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता बताइएगा जरूर, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।